हाल ही में अक्षय कुमार ने फिल्म रुस्तम में अपनी पहनी हुई नेवी की यूनिफॉर्म की नीलामी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ही अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है। लेकिन इस ट्रॉलिंग पर जवाब देते हुए अक्षय ने कहा है कि इस सब से वो और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जरा भी विचलित नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते अक्षय ने धर्मार्थ और पशु बचाओ एवं कल्याण कार्य के लिए 2016 में आई अपनी फिल्म में पहने गए परिधान की नीलामी की घोषणा की थी। इस पूरी फिल्म में अक्षय कुमार नौसेना की वर्दी में नजर आए और इसे नीलाम करने के लिए अक्षय ने इसे असली नौसैन्य वर्दी कहा है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। परिधान को असली नौसैन्य वर्दी बताए जाने वाले अक्षय कुमार के इस ट्वीट की जमकर आलोचना की गई है। ट्वीट करने वालों ने टिप्पणी की कि जैसा कि ये दंपति दावा कर रहे हैं वैसा है नहीं, ये एक फिल्म का परिधान है न कि नौसेना के असली अधिकारी की वर्दी। फेसबुक पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी के बाद खास तौर से ट्विंकल लोगों के निशाने पर रही। इस व्यक्ति ने कहा था कि अगर ट्विंकल ने वर्दी के नाम पर परिधान की नीलामी की तो वो उन्हें हानि पहुंचाएगा। अभिनेत्री से लेखिका बनी ट्विंकल ने कहा कि टिप्पणी करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।